कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के मोहलाइन भाठा में तीन लोगों को जहरीले करैत सांप ने काट लिया और सर्पदंश से दो लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजन ने कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए डीएमओ को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कटघोरा चौक पर चक्का जाम किया है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दरअसल कटघोरा के मोहलाइन भाठा के दो घर में सर्पदंश की घटना सामने आई है। यहां एक घर में सांप ने घुसकर पति पत्नी को काट लिया, वहीं घर के सामने एक घर में एक युवक को सांप ने काट लिया। यहां तत्काल इलाज के लिए कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उचित उपचार नहीं होने पर असंतुष्ट परिजन ने युवक फैजल को बिलासपुर ले जाया जा रहा था, जिससे रास्ते में ही फैजल की मौत हो गई। पति पत्नी को उपचार से असंतुष्ट होकर कोरबा जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पति रोहित की मौत हो गई और पत्नी का इलाज जारी है। इधर मृतक के परिजन ने कटघोरा चौक पर चक्का जाम किया है और कटघोरा बीएमओ को बर्खास्त करने की मांग की है। सर, आज 4 बजे की घटना है। मेरे घर के सामने में एक परिवार रहता है, वो सोए थे बिस्तर में, वहाँ एक डंडा करा सांप आया और दोनों पति पत्नी को काट दिया। जैसे ही लड़के को पता चला कि मेरे को डंडा करा सांप काट दिया है करके, वो तुरंत गाड़ी उठाया, अपने पत्नी को पीछे में बैठाया और तुरंत अपना खुद गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में आया, वहाँ बताया गया उसके द्वारा कि मेरे को डंडा करा सांप ने काट लिया है, सर आप जल्दी इलाज कीजिए। डॉक्टरों के द्वारा उसको आधा घंटा तक बैठाया गया। आधा घंटा बैठाने के बाद उसको एडमिट कराया गया है। एडमिट करने के बाद में जब हम लोग सब कोई गए, हमको बताया गया कि इनको सारी डोज दे दिया गया है। बाद में पता हम लोग उसका सीरियस कंडीशन हो गया है। उसके बाद हम उसको कोरबा लेके गए। अंत में 3 घंटा रखने के बाद उसको सीरियस कंडीशन में रिफर किया गया कोरबा। उससे पहले हमको नहीं बताया गया कि इसको हम लोग सीरियस कंडीशन में है कि नहीं है। हमेशा हमको बताया गया कि अच्छा है। हमको उसके पास जाने नहीं दिया गया, उससे मिलने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जो हम उसका रिफर कागज को वहां लेके जाके जमा किए, उसमें हमको पता चला कि उसको सांप वाली ऐसी कोई दवाई नहीं दी गई थी, उसको नॉर्मल बॉटल बस।